अस्सलामु अलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू शानिल अज़ीज़। आज मैं आप लोगों के साथ एक और बकरा ईद स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको डिश अच्छी लगेगी। तो आज हम बनाने वाले हैं बड़ी ही लजीज बोहरा लगन सीख। इसे मैंने बीफ में बनाया है, लेकिन आप चाहे तो आप इसे मटन में या चिकन में भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप सब इसे घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम्स बीफ मिंस। आप अगर मटन में बना रहे हैं तो आपको मटन मिंस लेना है, और अगर आप चिकन में बनाना चाहते हैं तो चिकन मिंस लीजिएगा। अब इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3G पेस्ट, जो कि है जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। तो ये मैंने लिया है 3 टीस्पून। नेक्स्ट इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। वैसे तो 3G पेस्ट में भी ग्रीन चिलीज़ है, तो इसीलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर डाला है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 3/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 3/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हसबे ज़रूरत नमक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं मीडियम साइज़ के, और साथ ही में 1 हैंडफुल मैंने कोरिएंडर लीव्स को बारीक चॉप करके डाला है इसमें। अब इसके बाद इसमें मैं फ्राइड अनियंस यानी बिरिस्ता शामिल कर रही हूँ। मैं इसमें कच्ची प्याज नहीं डाल रही हूँ, फ्राइड अनियंस डाल रही हूँ, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने तकरीबन 1/2 कप लिया है। नेक्स्ट इसमें हमें 2 टीस्पून लेमन जूस शामिल करना है। अब फाइनली इसे हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करना है, और आलू को भी आप इस तरीके से मैश करते हुए अंदर मिला लीजिए इसमें। इसमें हमें 2 टीस्पून ऑयल भी शामिल करना है। तो देखिए मैंने अभी इस पॉइंट पर डाला है, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे हमें कवर करके कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें हम बोरा लगन सीख रेडी करेंगे। पैन में हमें 2 टेबलस्पून ऑयल इस तरीके से पूरे में डालना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बीफ मैरिनेट हो चुका है। इसे रेस्ट किए हुए भी 4 आवर्स हो चुके हैं। अब हमें इसे पैन में इस तरीके से डालना है और पूरे में अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक गैस फ्लेम ऑन नहीं करी है। सबसे पहले हम इसे पूरे में स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से, और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कभी आपको गैस फ्लेम ऑन करनी है। तो अभी पैन गरम नहीं है, गैस फ्लेम मैंने ऑन नहीं करी है, बस इसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ पूरे में। दूसरी साइड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 एग्स लिए हैं, जिसमें हमें थोड़ा सी ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सी नमक शामिल करके इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। मैंने यहाँ पर कुछ टोमेटो स्लाइसेस ली है, इसे हमें पैन में इस तरीके से पूरे में रखना है। अब इस पर हमें पूरे में एग डाल देना है अच्छे से। अभी हमें इसे कवर कर लेना है, और इस पॉइंट पर मैं गैस फ्लेम ऑन कर रही हूँ।
लेकिन हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर, यानी जिस फ्लेम पर हम चावल दम पर रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे 35 टू 40 मिनट्स के लिए पकने रखना है। और मैंने फ्लेम इसीलिए लो रखने कहा है ताकि ये बॉटम पर स्टिक ना हो। तो 40 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और ये रेडी है। अगर आपको ऐसा लगे कि अभी भी थोड़ा बहुत पानी है उसमें, तो आप इसे 5 मिनट और पका लीजिए। ये रेडी है, तो अब मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे हम सर्व कर लेंगे। बोहरा लगन सीख बनकर रेडी है। इसे मैंने गर्मा गर्म पराठे, कुछ अनियन रिंग्स, कुछ लेमन स्लाइसेस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे इन चीज़ों के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इससे जायका और भी दुगना हो जाता है और ये बड़ी मज़े की लगती है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @शानिलअज़ीज़। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो और भी ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जानने के लिए जल्दी से उस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा, ताकि आपको हमारी हर न्यू और लेटेस्ट रेसिपी वीडियोज़ की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।